हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक आज हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं मैंने चौदह नंबर तक तो क्वेश्चन करा दिए थे अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देख सकते हैं तो आइए चलते हैं आज हम लोग पंद्रह नंबर स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें तो आइए देखते हैं फिफ्टी फिफ्टी नंबर में क्या कहा गया है दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग उस संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या के योग का कितना एक बटे ग्यारह भाग है हम तो लोग इसको क्या करेंगे दो अंकों की एक संख्या हमने मान ली कोई संख्या कितनी पैंतीस है के अंकों का योग उस संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या के योग का तो इधर कितना पैंतीस है इसको अगर हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी थ्री हो जाएगा और इनका योग कितना आ जाएगा एट्टी एट आ जाएगा कितना आ गया एट्टी एट आ गया फिर उस संख्या तथा तो दोनों को अंकों बदलने नई संख्या के योग का कितना एक बटे ग्यारह भाग है तो इसका एक बटे ग्यारह हम लोग निकालेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी एट आ जाएगी लेकिन अगर ऐसे में ही हम लोग क्या करें कि कोई दूसरी संख्या मान ली हमने चालीस मान ली उसका उल्टा कितना चार चवालीस हो गया और चवालीस को हम क्या करेंगे एक बटे ग्यारह निकालेंगे तब कितना आ जाएगा चार हर बार, बार एक नई संख्या प्राप्त हो रही है तो ना ही उसका हम लोग अंकों का योग निकाल सकते हैं ना ही अंतर निकाल सकते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आंकड़े अधूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग सिक्सटीन नंबर सिक्सटीन नंबर में क्या कहा गया है चार पुरुष दो महिलाओं की कुल मासिक आय कितनी है छियालीस हजार है यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष से पाँच सौ रुपये अधिक कमाती है तो इसमें सब लोग सीधे से मान लेंगे पुरुष कितना कमाता है एक्स कमाता है तो महिला कितना कमाती होगी महिला कमाती है उससे पाँच सौ अधिक तो एक्स प्लस पाँच सौ हो गया फिर क्या आ गया है कितने पुरुष हैं चार पुरुष हैं अगर पुरुष चार हैं तो पुरुष की कितनी हो जाएगी पूरी आय फोर एक्स महिलाएँ कितनी है दो महिलाएं हैं तो इसमें आप टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दो ऑफ एक्स प्लस पाँच सौ हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे और टोटल कितने रुपए हैं छियालीस हज़ार है ये हमारी आय हो गई तो आप लोग इसको सरल करने का एक दो स्टेप कम कर सकते हैं अब आप बताइए दो का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये छः एक्स हो जाएगा और जब दो का मल्टीप्लाई इसमें हो, जा, हो जाएगा तो एक हज़ार होगा और उस एक हज़ार को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये पैंतालीस पैंतालीस हजार बचेगा उसके बाद एक्स वर्ग की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो जब छः का हम इसमें डिवाइड करेंगे छः का डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा छ से बयालीस सौ छः पंचायत तीस कितना पचहत्तर सौ रुपए फिर आप बताइए हमसे पूछा क्या गया है प्रत्येक महिला की मासिक आय और प्रत्येक महिला की मासिक आय थी कितनी जो महिला की मासिक आय थी वो पुरुष से कितनी पाँच ज़्यादा थी अगर पुरुष की आ गई पचहत्तर तो महिला की कितनी होगी महिला की होगी आठ हजार रुपये तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सेवनटीन नंबर नंबर में क्या कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश को एक से तथा हर को दो दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है इसका करने के लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता क्या है आपकी ये एक प्राइम नंबर है अगर प्राइम नंबर है नीचे तो ऊपर भी प्राइम नंबर होगा तभी तो ये हटेगा अगर ये नहीं हट रहा है तो फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि नीचे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो तीन से कट जाने चाहिए तो अब बताइए अगर अंश को एक बढ़ा रहे हैं और हर को दो बढ़ा देंगे जब हर को दो बढ़ाएंगे तो वो तीन से पक्का करना चाहिए तीन से जरूर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें हम लोग दो बढ़ा देंगे तो ये कट रहा है और इसमें दो बढ़ा देंगे तो ये भी कट रहा है इसमें दो बढ़ा देंगे तो ये भी तीन से कट जाएगा बाकी ये नंबर तो नहीं कट रहा तो ये नंबर तो अपने आप हट गया हम लोगों ने देखते ही एक ऑप्शन को हटा दिया फिर उसके बाद आगे क्या का आ गया है आगे का आ गया है कि लेकिन जब अंश को पाँच से तथा हर को एक से बढ़ा दिया जाए तो पांच बटे चार हो जाती है तो अब हम लोग क्या करेंगे जब अंश को पांच बढ़ाते हैं जब अंश को पांच बढ़ाते हैं तो हर को एक बढ़ाते हैं तो हमारे पास यही तीन ऑप्शन बचे हैं तो नीचे अगर चार आ रहा है तो नीचे चार का मल्टीपल आना चाहिए तो ये तो ये चार मल्टीपल चार आ जाएंगे लेकिन कहा गया जब अंश को पांच बढ़ाया जाता है तो अब आप बताइए अगर इसमें आप पांच बढ़ा दोगे तो क्या ऊपर पांच बना रहेगा क्योंकि ये पांच का मल डिविजल होगा ही नहीं क्योंकि ये टोटल आठ हो जाएगा इसमें पांच आप अगर बढ़ा दोगे तो पांच दूनी दस हो जाएगा और नीचे क्या बढ़ानी है नीचे एक बढ़ाना है तो ये आठ हो जाएगा तो दो पंचे दस और दो चौको आठ जितना कहा गया था उतना ही हो गया तो ऑप्शन हमारा कौन सा यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आप देख लेते हैं तो जब इसमें पांच बढ़ाएंगे तो ग्यारह हो जाएगा जब ग्यारह होने के बाद ये कोई ऐसी संख्या से कटेगा ही नहीं कि यहाँ पांच बच जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक किया कि ऊपर पांच का मल्टीपल आना चाहिए तभी तो ऊपर पांच बचेगा तो ये हमारा कितना आ गया पांच बटे बाई ऑप्शन ही हम लोग करेंगे तो इसको तो हमें पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ी ऐसे ही हो गया कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन फॉलो होगी और आपका आसानी से हो जाएगा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टीन नंबर एटीन नंबर में क्या कहा गया है जब किसी संख्या के पच्चीस को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो हमने क्या मान ली कोई संख्या x है उसका 25 परसेंट कितना एक बटे चार है दूसरी संख्या उससे घटाया जाता है मतलब हमने मान लिया दूसरी संख्या y तो क्या होता है दूसरी संख्या घटकर कितना हो जाती है पांच बटे छह भाग हो जाती है तो दूसरी संख्या y मानी थी और घटकर कितनी हो जाती है पांच बटे छह भाग हो जाती है बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब तो, वाई है, तो हम वाई वाई को एक तरफ कर लेंगे तो जब इधर वाई को इस साइड करके हम, ले जाएंगे, तो यह, तो हम इसको तो तो माइनस में तो वाई माइनस पांच वाई बटे छुड़े ये एक्स बटे चार बचेगा तो आप लोग सिंपल हो गया छह के इसमें मल्टीप्लाई सिक्स वाई में पांच वाई जाएगा कितना बचेगा वाई बटे छतना एक्स बटे चार ये क्या होगा दो दूनी चार और दो तेईस छह कट गया हमने आपसे कहा कि जो जिसके नीचे है वही उसकी वैल्यू है हमसे पूछा गया पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है हमने पहली संख्या क्या मानी थी पहली संख्या एक्स मानी थी तो पहली संख्या एक्स हो गई दूसरी संख्या क्या मानी थी वाई मानी थी दो अनुपात तीन तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नाइनटीन नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं नाइनटीन नंबर में क्या कहा गया है दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दाही के अंक से दो अधिक है तो आप खुद इसमें बायोप्शन ही देख सकते हैं इसमें आप लोगों को कोई कैलकुलेशन या कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है तो आप बताइए दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दाही के अंक से दो अधिक है तो जो इकाई का अंक है वो दाही के अंक से दो अधिक है, हाँ, है इसमें भी अधिक है इसमें भी अधिक है और इसमें भी अधिक है फिर वह संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से नई संख्या का अंतर अठारह है तो आप बताइए पहला ऑप्शन अगर छियालीस लेते हो तो इसको पलट पलट दोगे तो कितना बचेगा चौंसठ हो जाएगा अंतर कितना अठारह का आया चौबीस है थर्ड ऑप्शन चौबीस में से अगर इसको पलट दोगे तो बयालीस आ जाएगा इसका भी अंतर अठारह आ गया हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो कितना अड़सठ है और इसको पलट दोगे तो कितना बचेगा छियासी और इसका अंतर इसका अंतर कितना आ जाएगा इसका भी अंतर अठारह हमारे पास ये तो सब में कंडीशन फॉलो हो रही है हम लोग कोई संख्या निकाल ही नहीं सकते ऐसी कोई संख्या हम लोग क्या लगा देंगे जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा या तो दिए होते कि ऑल ऑफ एब इस जगह पे तो हम लोग वो लगा देते यहाँ पे दिया होता नन ऑफ दीज तो हम नन ऑफ दीज लगाते लेकिन जब दिया आंकड़े अधूरे तो हम लोग इसी को टिक

अगर किसी भिन्न के अंश को दो से बढ़ाया जाता है हर को तीन से बढ़ाया जाता है तो भिन्न कितनी सात बटे नौ हो जाती है तो अब आप बताए नीचे अगर आप तीन जोड़ रहे हो तीन जोड़ने के बाद सात बटे नौ हो जाती है सीधे सीधे आप लोग ले देख लिया करो कि वो नौ का मल्टीपल हो जाएगी तो हम लोग जब इसको तीन एड कर देंगे नीचे इसमें और अंश में कितना दो एड कर देंगे तो यह कितना हो रहा है पंद्रह बटे उन्नीस इससे तो बन नहीं रहा है इसमें दो ऐड करेंगे तो ये कितना सात हो जाएगा और नीचे तीन ऐड करेंगे ये सात बटे नौ हमसे वही आ गया तो ये तो हो सकता है फिर इसमें ऊपर दो ऐड करते हैं नीचे तीन ऐड करते हैं तो नौ दो ग्यारह और ग्यारह तीन चौदह ये भी नहीं हो सकता है तो ये भी नहीं होगा सत्रह आया सत्रह में से अंश में दो ऐड करना उन्नीस हो गया और इक्कीस में से तीन ऐड करना चौबीस हो गया और हमें भिन्न हो जाती है सात बटे नौ तो ये भी नहीं हो रही है तो हमारी पहली इक्वेशन से हमने पता लगा लिया कि हमारा ऑप्शन क्या होगा थर्ड इसमें भी हमारा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद चलते अपना ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी में क्या कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सात से पूर्णता विभाजित होगी तो आप लोगों को अगर डिविजिबिलिटी के रूल आते होंगे तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे क्योंकि तो डिविजिबिलिटी के रूल में इसमें क्या कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी ऐसी कोई संख्या इसमें देखो तीन अंक का रिपीटिशन है इसमें भी देखो तीन अंक का रिपीटिशन है इसमें देखो तीन अंक का रिपीटिशन है और इसमें भी तीन अंक का रिप्टिशन है तो कोई भी ऐसी संख्या होगी जो तीन तीन अंकों के रिपीटिशन से बनी होगी तो वो सात से डिविजिबल जरूर होगी तो यहाँ पे भी ये तीन तीन अंकों से रिपीटिशन है तो सात से डिविजिलिटी जरूर होगी आप लोगों ने पढ़ा होगा नीचे के तीन अंक ले लो फिर बाकी ऊपर के तीन को घटा दो तो जीरो आ जाए या सात का मल्टीपल हो तो सात से कट जाएगी या तो कुछ लोग सम और विषम अंकों से करते हैं लेकिन अगर कभी भी आप लोग याद रखना अगर तीन अंकों की संख्या का रिपीटिशन है वन नाइनटी फाइव लिखा है वन नाइन्टी फाइव लिखा है तो ये जरूर कट रही होगी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर क्या होगा सभी विभाजित होंगी तो इस तरीके से आज हम लोग इतना ही रखते हैं कल बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें और मैंने जो नोट्स भेजने के लिए कहे थे वो तो मैं जरूर भेजूंगा तो आप लोग जरूर से कमेंट जरूर करते रहिए सब लोग और हाँ अगर अभी परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बड़े बड़े पांच पांच लाइनों के क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ तो शॉर्ट ट्रिक में होंगे तो आप लोग ट्रिक उससे पढ़ना नहीं, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कोई भी बुक लगाने में समस्या नहीं होगी आप महेश मिश्रा भी लगाएंगे तो आप हंड्रेड परसेंट गारंटी है वो लगा लेंगे सारे के सारे सवाल आ जाएंगे और मुश्किल से अगर पढ़ाए जाए तो हर एक टॉपिक में मुश्किल से पंद्रह टाइप के सवाल बनेंगे ये भी नहीं कि जैसे यादव तो में टाइप बाय टाइप दिए हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे हर एक क्वेश्चन कम से कम पांच लाइन छह लाइन तक होगा और आप लोग उसको देखना कितने आसानी से करेंगे तो मैं हर एक की ट्रिक ट्रिक की अगर मान लो दस टाइप की ट्रिक है तो मैं दस वीडियो अपलोड कर दूंगा सारी कंफ्यूजन दूर करते हुए सारी ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे सो फ्रेंड मिलते हैं कल नए वीडियो में टेक केयर बाय बाय